नासिक पंचवटी में भगवान राम ने सूपनखा को नहीं रहने दिया था। वो रेती थी, आई पंचवटी में, घूमी, देखा, घूमा, सुंदरता भी देखी और यहीं आसपास में रहा करती थी, पर भगवान ने उसकी नाक काटकर भगा दिया। सूपनखा कौन? जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो, जो भगवान को पहचान नहीं सकती हो, जो भगवान का भजन नहीं कर सकती हो, जो स्मरण नहीं कर सकती हो, जो कभी मंत्र का जाप ना करे, जो कभी स्मरण ना करे, जो कभी भगवान की अविरल भक्ति में ना डूबी हो, वो सूपनखा को भगवान ने नाक काटा और भगा दिया। नाक काटी मतलब जब जो भगवान का भजन करने नहीं जाता, जो स्मरण करने नहीं जाता, जो मंत्र जाप करने नहीं जाता, जो कभी भगवान के सत्संग में नहीं जाता, और उस व्यक्ति को बार बार कोई कहता है कि अपने गांव में कथा हो रही है, नासिक में कथा हो रही है, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने चलो, और वो नहीं जाए तो लोग कह देते दिन भर घर में बुक रहती है, व्यस्त रहती है, थोड़ा सा जाया करो, सत्संग किया करो। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो तो शिवधाम मिलता है, कैलाश मिलता है। पर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाला व्यक्ति सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद जब त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आता है और त्र्यंबक बाबा का जब दर्शन करता है, तो उस व्यक्ति को केवल एक कैलाश नहीं मिलता, उसके सामने ऑप्शंस रख दिया जाता है कि आप ब्रह्मलोक में रहना चाहें, चाहे वैकुंठ में रहना चाहें, चाहे कैलाश पर रहना चाहें। यह आपकी मर्जी है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहां रहना। कहते हैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उनका सत्कार सम्मान कैलाश पर होता है। पर मान लो जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाया और एक त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आ गया और त्र्यंबक बाबा का दर्शन भूल से भी अगर उससे हो गया, तो जब उसके प्राण छूटते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु उसके लिए फूल की, पुष्प की रंगोली डालते हैं कैलाश धाम तक जाने के। और शिव महापुराण की कथा तो एक बात हमेशा कहती आई है, आपके नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो पहले अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर का मंदिर है, पहले जल वहां चढ़ाओ। अपने भाई के साथ नहीं हो सकता, इसलिए सीता जी घास के तिनके को तोड़कर अपने पास में रख लेती थी। और सीता जी को यह ज्ञान था कि मैं भूमि से हुई हूं, ये भूमि से घास हुआ है, ये मेरा भाई है, और जब तक मेरा भाई मेरे साथ में है तब तक रावण निगाह उठाकर नहीं देख सकता। ये मेरा भाई मेरे साथ में है, रावण की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि मेरा भाई है। राम जी अयोध्या से चले, अवध से चलते 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 राम जी ने कभी पूरी पूरी जगह तक जाकर देख लो, कहीं पर किसी की ना तो नाक काटी, ना हाथ काटा, ना मुंडा काटा। यहां आकर मेरे राम जी ने सूपनखा की नाक काट कर कहा कि तेरा मन भगवत भजन में नहीं लग रहा और तू कहीं ना कहीं विधर्म की ओर आगे बढ़ रही है, और तेरा अंत होगा तब पूरा अधर्मियों का अंत हो जाएगा, खाए तो महादेव की शरण जाए। राम जी की जिंदगी में दुख आया, वो महादेव की शरण में गए,
भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया तो महादेव की शरण में गए। 16,118 रानियां भगवान कृष्ण की थी और एक भी संतान नहीं थी। तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिवलिंग का पूजन करा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक। 1,00,000 से ज्यादा भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति हुई शिव की कृपा से। ऐसा कोई बता दो देव हो, ऐसा कोई असुर का नाम ले लो जो शंकर की आराधना ना करा। रावण शिव की आराधना करते थे, कंस शिव की आराधना कहते करते थे, महिषासुर शिव की आराधना करता था, तारकासुर शिव की आराधना करता था, जटासुर शिव की आराधना करता था। ऐसा कोई असुर बताओ जो शंकर की आराधना ना कराओ। ऐसा कोई देवता बताओ जिसने शिव की आराधना ना करी हो। तुम सोमवार का व्रत करो ना करो, तुम मंगलवार का व्रत करो ना, तुम जिस व्रत को कर रहे हो, अगर लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, तुम कृष्ण भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम राम भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम देवी जी की पूजन कर रहे हो, तुम दत्त की पूजन कर रहे हो, तुम हरिविठल की पूजन कर रहे हो, तुम पांडुरंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गोदावरी की पूजन कर रहे हो, तुम गंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गौ माता की पूजन कर रहे हो, तुम वृक्ष लता पत्र की पूजन कर रहे हो, तुम संसार में किसी की भी पूजन करो, पूजन का फल जब दिया जाता है तो उस लिस्ट को, उस फाइल को पहले देवाधिदेव महादेव के पास भेजा जाता है और महादेव उस फाइल को स्वीकृति देते हैं, तब उस फल को दिया जाता है। तुमसे कह दे मेरे पास आ जाओ मैं गड़ा हुआ धन दे दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें ये दे दूंगा, कोई कहे ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो विश्वास मत करना कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर आने के बाद तो राम जी के भी जीवन में दुख आया, पृथ्वी पर आने के बाद तो भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आया, पृथ्वी पर आने के बाद जो जन्म लिया उसकी जिंदगी में दुख जरूर आया है। तो ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा, पर इतना जरूर है राम जी ने शंकर को भजा दुख कटा, भगवान कृष्ण ने शिव को भजा दुख कटा, उसी तरह आप और हम भी अगर शंकर को भजेंगे तो दुख जरूर कटेगा, ये निश्चित है। भगवान का दरवाजा ना छूटे। मां, महात्मा और परमात्मा, कौन कौन बोलो, जम के बोलो। मां, महात्मा, तीसरे नंबर पर एक बार फिर से बोलो, तीन कौन, मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीन को पकड़ कर रखोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते चले जाओ। जो अपनी मां का आदर करना छोड़ देता है, अपनी मां का सम्मान करना छोड़ देता है, अपनी मां का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, अपनी मां का चरण पकड़ना छोड़ देता है, वो बहुत लंबा नहीं चल पाता। मां, महात्मा और परमात्मा, दूसरे नंबर पर है महात्मा, संत, साधु, गुरुजन। संत, साधु, गुरुजन किसको कहा? कोई कपड़े पहन लिया, जटा बड़ा ली, खोप तिलक छापा कर लिया, खोप सारी माला पहन ली, तो उससे कोई संत या साधु नहीं बन जाता। संत साधु का सबसे बड़ा लक्षण है, संत साधु का सबसे बड़ा गुण है, जो उसके पास जाता है उसके जैसा नर्म बन जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है। संत साधु के पास गए और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और जमीन जायदाद की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और तुम अन्य अन्य बातों को कर रहे हो, तो उसमें सुख का अनुभव नहीं है।
दुनिया में जितने मरते हैं वो सब वैकुंठ जाते हैं कि नरक जाते हैं? अरे बोलो, जम के बोलो। अरे बोलो तो जम के। कोई तुम्हारा पैसा खाकर मर गया, कोई तुम्हारा 5-10 लाख रुपए प्लाट का लेके मर गया, कोई तुम्हारी जमीन का टुकड़ा लेकर मर गया, कोई तुम्हें दुख देकर मर गया, तो वो वैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा? हैं? नरक जाएगा, ये तुम कह रहे हो। पर उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले जब वो पत्रिका छपवाते हैं कार्ड, उस कार्ड में उसका जो नाम लिखा रहता है उसमें तो लिखा रहता है स्वर्गवासी। उस कार्ड में कहीं लिखा है नरकवासी? विदेश में कोई मरता है तो कह देते हैं एक्सपायर डेड बॉडी, पर हमारे यहां तो कितना भी पापी से पापी भी मर जाए तो भी उसके नाम के आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि वो भारत की भूमि पर जन्मा है और भारत की भूमि पर जो जन्म लेता है वो नरक कभी नहीं जाता। अच्छा चलो जाने दो, तुम्हें सियोर वाले महाराज की बात पे भरोसा नहीं हो तो एक एक पुराण उठाकर बता दो। हिरण्यकश्यपु मरा, प्रहलाद का पिता मरे तो नरक गए कि स्वर्ग गए? बोलो बोलो जन के। रावण मरा तो वैकुंठ गया कि नरक गया? चलो वो भी जाने दो। जिस हिरण को बाण मारा था वो वैकुंठ गया कि नरक गया? भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था वो वैकुंठ गया कि नरक गया? एक एक पुराण को उठाकर देखना। हिरण्यकश्यपु मरा परम धाम गया, लिखा शास्त्रों में। रावण मरा परम धाम गया, कंस मरा परम धाम गया, तारकासुर मरा परम धाम गया, क्योंकि भगवान का जो हाथ का स्पर्श कर कर जाता है, भगवान का नाम लेकर जाता है, उसका दर्शन कर कर जाता है, भारत की भूमि की रज का स्पर्श कर कर जाता है, वो कभी नरक नहीं जाता, वो वैकुंठ ही जाता है। कितनों के घर जाकर देख लेना, जिन जिन के घर में कोई बुजुर्ग मर गए हो उनका फोटो लगा होगा, उस फोटो के नीचे लिखा होगा स्वर्गीय। अब उसके नाम के आगे कभी नहीं लिखा नरक की है, उसमें लिखा स्वर्ग की है। धारा ही कुछ ऐसी, इतनी पवित्र है ये भूमि, जिसको समझने वाला समझ सकता है। आज के जमाने में बड़े बड़ी गादियों पर लोग बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी पीठ पर लोग बैठ जाते हैं और भेद करते रहते हैं, वो ज्योतिर्लिंग बड़ा है, वो ज्योतिर्लिंग छोटा है, वो शंकर बड़ा है, वो शंकर छोटा है, ये महाराज बड़ा है, वो महाराज छोटा है। 12 ज्योतिर्लिंग में कभी ये मत कहना कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा। दिए की ज्योति बराबर का प्रकाश देती है, 12 ज्योतिर्लिंग एक बराबर का फल देते हैं। हम भेद कर रहे हैं, हमारी बुद्धि भेद कर रही है। मां दूसरे नंबर पर, जम के बोलो जरा। महात्मा, जो महात्मा तुमसे प्रॉपर्टी की बात करे, जमीन जायदाद की बात करे, धन दौलत की बात करे, संपदा की बात करे, वो महात्मा नहीं। महात्मा का लक्षण है आप उसके पास बैठे और उसके पास बैठकर अगर कहीं आपके भीतर ये भाव जागृत हो जाए कि सही कहा शंकर के मंदिर जाना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, ये प्रयास हर एक महात्मा का होना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर प्रगटे थे तब उन्होंने शंकर भगवान की पूजा का विधान संपूर्ण विश्व में फैलाया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी की चार पीठ पर जो चार शंकराचार्य जी विराजमान हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी की चार पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान हैं, वो भी आज शंकर भगवान की पूजा अर्चना और विश्व के कल्याण को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद भोलेनाथ ने कोरोना काल में ये शिव महापुराण को, कहीं मेरे महादेव ने संपूर्ण विश्व में शंकर की भक्ति को जागृत करने के लिए शिव पुराण प्रारंभ कर दिया।
हमको इतनी प्रसन्नता हुई, किसी ने पत्र लाकर दिया। उस पत्र में लिखा था, पहले छोटे छोटे शंकर मंदिर में, नासिक में भी शंकर के छोटे छोटे मंदिर में दरवाजे बंद रहते थे, होटले पर कुत्ता बैठे रहते थे, कोई नहीं जाता था, दरवाजे सब बंद पड़े रहते थे। बड़े बड़े मंदिर में सब जाते थे, छोटे छोटे मंदिर में कोई नहीं जाता था। हम धन्यवाद देते हैं, आपने एकांतेश्वर महादेव का वर्णन किया, तो लोग अब छोटे छोटे मंदिर में भी जाकर पूजन और आराधना कर रहे हैं, छोटे छोटे मंदिर में भी पूजा आराधना कर रहे हैं। एक एक मंदिर में छोटे से छोटा शिवालय हो चाहे बड़े से बड़ा शिवालय हो, उन शिवालयों का आनंद अपने आप बड़ा है, अपने आप है। शिव भक्ति की जागरूकता, और अपने देश को, किसी भी देश को जब नष्ट करना होता है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट किया जाता है। विधर्मी जब किसी राष्ट्र को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, तो सबसे पहले भीतर घात करते हैं, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसकी संस्कृति को नष्ट करते हैं। और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शिव महापुराण के माध्यम से आप लोगों ने जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इस भारत की संस्कृति को फिर आगे बढ़ा दिया। अब बर्बाद नहीं हो सकता, राष्ट्र फिर मजबूत हो गया, सनातन धर्म फिर मजबूत हो गया, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, फिर सनातन धर्म मजबूत हुआ है जब आप लोग भगवान के देवालय शिवालय तक जा रहे। दुनिया में जितनी कथाएं होती हैं उसमें बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज्यादा जाती हैं, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी है जिसमें बूढ़ी माताएं तो कम मिलती हैं, पर युवान माताएं, युवान भाई, युवान बहनें ज्यादा रहते हैं। ज्यादा बुजुर्ग माताएं तो बेचारी ग्राउंड के अंदर ही नहीं घुस पाती है, प्रवेश नहीं, गाड़ी बहुत दूर रोक दी जाती है, तो अंदर कैसे जाए, बोलो सही है कि गलत है। तो बूढ़ी माताएं तो पहले ही मना कर देती है, महार से नहीं चला जाए, गोड़ा दुखे, मैं नहीं चला, मेरे से नहीं चला जाए। तो युवान युवान बहुएं बेटियां, मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जवान जवान जीजा होन, मेरे बेटे, मेरी बहने इस कथा में आकर जब बैठती हैं, यहाँ से जो ग्रहण करती हैं वो लेकर जाती हैं और अपने बच्चों को वो संस्कार देती हैं, एक लोटा जल पकड़ा कर मंदिर भेजती है, वो गौरव उत्पन्न होता है, वो सुख उत्पन्न होता है, वो आनंद की अनुभूति होती है। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सुख हो, माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीन को कभी मत छोड़ो। परमात्मा का दरवाजा, दुनिया के लोग कहें, कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है, आप कुछ मत बोलना, यहां से हमारे पास से ये पत्र ले जाकर दे देना, इस सारे पत्रों में और कुछ नीचे रखे हैं, जो तुमसे कहें कि शंकर जी को जल चढ़ाने से, बेलपत्र खाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, समी पत्र चढ़ाने से, शंकर भगवान को शहद चढ़ाने से, शंकर भगवान का अनुमोदन करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या मिलता है, उनको ये पत्र ले जाकर देना जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, वो आपको बताएंगे कि शंकर की भक्ति से मिलता क्या है, शंकर से क्या प्राप्त किया जा सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं,
भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में कैलाश पर पृथ्वी पर रहता, इसी कैलाश पर पृथ्वी पर रहता मृत्यु लोक। आप पुकारोगे वो तुरंत आएगा। जिस दिन आप समझ गए उस दिन जिंदगी का सुख आपके भीतर होगा। जिस गोदावरी के तट पर आप कथा सुन रहे हैं, जिस माता गोदावरी के तट पर सप्तशृंगी माता के इस पावन सानिध्य में, त्र्यंबकेश्वर बाबा के इस पावन सानिध्य में, कपालेश्वर महादेव के इस पावन सानिध्य में, काले राम जी के इस पावन सानिध्य में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, ये भूमि ने अगर असुरों को दिया, राक्षसों को दिया, तो देवताओं को भी दिया है। प्रदान करता है एक केवल किसी ने एक प्रश्न किया था कि सीहोर, उन्होंने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि ये गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट हुआ, गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट हुआ है। जिसने प्रश्न किया वो अच्छे से एक बार स्कंद पुराण पढ़ना, ब्रह्म वेवर्त पुराण पढ़ना, अच्छे से लिंग पुराण का स्मरण करना, आपको ज्ञात होगा स्कंद पुराण के अंदर कि ये गोदावरी केवल गौतम बाबा के बात की नहीं, ये गोदावरी तो गंगा है और गंगा केवल गौतम ऋषि के सम्मुख में तो इस गंगा का नामकरण हुआ है, बाकी के गंगा तो महादेव की अविरल इस गोदावरी तो बहती रही है, गोदावरी तो बहती रही है। क्या गौतम बाबा ने इस गंगा को बुलाया? गंगा का नामकरण गौतम बाबा ने करा, ये तो अविरल गंगा है गोदावरी, एक युग में नहीं कई युगों से बहती आ रही है, कई युगों से। उस कई युगों से एक कथा थी है, आप लोगों ने सुना होगा, महिषासुर एक असुर था, सुनिए कथा जम के बोलो जरा, सुनिए ना महिषासुर की, किसने मारा था उसको, महिषासुर का वध किसने किया था? मां दुर्गा भवानी ने। उसका नाम क्या हो गया था फिर? महिषासुर मर्दनी, मां जगत जननी दुर्गा। महिषासुर की एक बहन थी, देव दीपावली शिव महापुराण की कथा सुन रही, बड़े भाव से सुनना। महिषासुर की एक बहन थी जिसका नाम था महिषी, क्या नाम था उसका? महिष। अब महिषासुर मर गया, महिषी अकेली रह गई, और महिषासुर का संहार स्वयं जगदम्बा ने, दुर्गा भवानी ने कहा करा। कितनी भुजा? आठ। देवी जी की आठ भुजा क्यों होती है? भगवान शंकर की चार भुजा, भगवान नारायण की चार भुजा, द्वारकाधीश की चार भुजा, तिरुपति बालाजी की चार भुजा, चार भुजा नाथ की चार भुजा, सत्यनारायण भगवान की चार भुजा, दत्त भगवान की चार भुजा, और देवी की आठ भुजा। शंकर भगवान, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, इनके चार हाथ, चार हाथ चार बेटों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। चार बेटे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये चार बेटों को मेरे भगवान ने अपने चार हाथ से पकड़ कर रखा है। पिता अपने बेटे को एक एक हाथ से पकड़ता है, पर माँ अपने बेटे को एक हाथ से नहीं पकड़ती है, माँ अपने बेटे को दो हाथ से पकड़ती है। इसलिए चार बेटों को लिए माँ ने आठ हाथ लिए। चार बेटों को संभालने के लिए माँ भवानी दुर्गा ने अपने आठ हाथ धारण करें। एक बेटे को दो हाथ से संभालती है, ब्राह्मण को दो हाथ से संभाला तो क्षत्रिय को दो हाथ से संभाला, वैश्य को दो हाथ से संभाला तो शूद्र को दो हाथ से संभाला। वो तो भारत का विभाजन करने वाले, सनातन धर्म को तोड़ने वाले ये विधर्मी आज के जमाने में कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा, क्षत्रिय वैसा, वैश्य वैसा, शूद्र वैसा, सब केवल अपनी वोट की राजनीति करने के चक्कर में पूरे भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। वोट की राजनीति करने के लिए भारत के सनातनियों को बांटे जा रहा है। पर कभी भगवान से जाकर कोई प्रश्न करे, मेरे चतुर्भुज भगवान तुम्हारे चार हाथ, तिरुपति के बालाजी के चार हाथ, कवि लक्ष्मी नारायण के चार हाथ, भगवान विष्णु के चार हाथ, दत्तात्रेय भगवान के चार हाथ, मेरे भोलेनाथ के चार हाथ, कभी उनसे पूछा जाए, क्योंकि पिता एक एक हाथ पकड़कर अपने बच्चों को चलाते हैं, एक एक हाथ पकड़कर पिता। और माँ का फर्ज है, माता अपने बेटे को दोनों हाथों से उठाती है, माँ अपने बेटों को दोनों हाथ, माँ अपने बेटे को दोनों हाथ से संभालती है, क्योंकि वो माँ है, वो माता है। माता अपने पुत्र को दोनों हाथों से संभाल ली। सूपनखा की नाक कट गई थी, लक्ष्मण जी की आंख से आंसू गिरे। इस पंचवटी में नासिक की पवित्र भूमि पर जहां आप लोग बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे, गोदावरी के तट पर लक्ष्मण जी की आंख से आंसू बह, राम जी ने पूछा, लक्ष्मण आपकी आंख में आंसू? हां भैया। क्यों, किस लिए? कहा, सूपनखा कुरूप हो गई, सुंदरता चली गई, क्योंकि उसकी नाक चली गई, कुरूप। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जो नास्तिक होता है, जो भगवान को कभी नहीं भजता, कभी दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, सुख को देखकर सुखी नहीं होता, जो कभी परमार्थ के लिए नहीं जीता, वो एक दिन मरने से पहले कुरूप हो ही जाता है। जैसे महिषासुर मरा, महिषासुर की एक बहन थी महिषी, महिषी उसको मालूम पड़ा मेरा भाई मर गया, अकेली महिषी ने विचार करा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, सारे तीर्थों में महिषी घूमकर आ गई, मैं कहीं बैठकर तप साधना करूंगी, ब्रह्मा जी से वर पाऊंगी। भगवान नारायण की साधना करी, वर नहीं मिला, शिव की आराधना करी, वर नहीं मिला, ब्रह्मा की आराधना करी, वर नहीं मिला। ये गोमती, ये गोदावरी, ये कोई आज की नहीं, पूर्व की है। महिषी को मालूम पड़ा, गंगा के तट पर बैठकर करा गया भजन, फल देता, तो गंगा के घाट पर जाऊं। गंगा के घाट जाने लगी तो बीच में महिषी ने देखा कि इतना सुंदर उपवन वन, इतना सुंदर वन क्षेत्र, इतना सुंदर जगह देखकर महिषी यहां उतरी, और उतर कर उसने ब्रह्मा जी का तप करना, साधना करना प्रारंभ करी। इस गोदावरी के जल का महत्व इतना है कि गंगा जी के घाट पर कोई तप करे तो 1000 वर्ष तक तप करता है तब फल मिलता है, और गोदावरी के तट पर बैठकर यदि मात्र 24 घंटे भी भगवान का नाम लेकर पुकार ले तो फल प्राप्त हो जाता है। बोल गोदावरी माता की। वो गोदावरी का तट अब महिषी को नहीं मालूम था, वो तो सुंदर वन, सुंदर उपवन, सुंदर जगह को देखकर, गोदावरी का तट देखकर महिषी उतर गई। महिषी उतरी,
सुंदर तट देखकर, सुंदर उपवन देखकर मैं इसी पर। अब महिषी ने, उसको नहीं मालूम कि गोदावरी का महत्व क्या, राक्षस क्या जाने, असुर क्या जाने, गंगा जी के घाट पर दो तरह के लोग स्नान करने जाते हैं। एक वो स्नान करने गए तो अपने पूर्वजों को पार लगाते हैं, और दूसरे वो स्नान करने के लिए जो जाते हैं उनका सामान चोरने के लिए आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही तुमने कपड़े उतार कर सामान रख कर गंगा में लगाई डुबकी, तुम बोले हर हर गंगे, और उन्होंने कर दो तुम्हें नंगे। ले जाए, अब तुम जाके थाने में रिपोर्ट कर रहे, देखो हम ना गोदावरी नहाने आए थे, हम तो गंगा जी नहाने आए थे, हमारा सामान कोई ले गया, मोबाइल ले गया, पर्स ले गया। अब जो गंगा ईमानदारी से नहाने आए थे, दो तरह के लोग, एक गंगा नहाने आते हैं, एक चुराने आते हैं। नहाने वाला जब गंगा नहा रहा होता है तो देवता भी उसकी 71 पीढ़ी पर फूल बरसाते हैं कि तेरे परिवार वाले ने गंगा नहाकर तुझे पार लगा दिया। और जो गंगा के घाट पर चोरी कर रहा होता है उसकी भी 71 पीढ़ी को यमराज भैंसे की पूंछ से बांध कर रगड़ता है, देख तेरे खानदान का व्यक्ति को चोरी करने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली, गंगा के घाट पर चोरी कर रहा है, उसके बराबर पापी कौन? अरे ओ चोट्टों, दुनिया में सब जगह चोरी करो, पर जो तीर्थ हैं भारत की भूमि के उसमें जाकर कभी चोरी मत करो, तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है, तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है कि कहां गंगा के घाट पर चोरी करने के लिए गया, कहीं दूसरी जगह नहीं मिली थी, 71 पीढ़ी को भोगना पड़ता है। चोट्टा चोरी कर करके कितना सामान ले जाता है, एक मंगलसूत्र ले गया, चेन ले गया, लाख रुपए का सामान ले गया, तो भी चोट्टा कभी लखपति करोड़पति नहीं बना, आज तक के चोट्टा की चोट्टा ही है। और जिनकी चेन मंगलसूत्र चले गया वो थोड़े दिन रोने के बाद भगवान से कही मेरी चेन मंगलसूत्र चले गया, भगवान ने कहा बहुत दिन से पहन रही थी, चिंता मत कर, हल्का बहुत था इसलिए भारी दिलाना था, टेंशन क्यों लेती है, चिंता ना कर। इसलिए आशीष बार बार कहते हैं अपनी चेन अंगूठी मोबाइल पर्स लेकर यहां मत आओ, सावधान इंडिया, क्यों आते हो, क्यों लाते हो, कहता है तुम सुनो तब तो। महिषी ने सोचा कि मैं कहां जाऊं, उतर गई इस सुंदर उपवन में, सुंदर पंचवटी में उतर गई, गोदावरी के तट पर उतरी। उसको नहीं मालूम कि माँ गोदावरी की कृपा कितनी है, माँ गोदावरी का करुणा कितनी है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, वो कह सकता है कि शिवलिंग में क्या है, वो कह सकता है कि त्र्यंबक में क्या है, वो कह सकता है कि शंकर होते क्या है, वो कह सकता है गोदावरी का मतलब क्या है, वो कह सकता है सप्तशृंगी माता का मतलब क्या है। जिसने वेद शास्त्र पुराण पढ़े होते हैं वो समझता है कि गोदावरी के तट का महत्व क्या है, कपालेश्वर का महत्व क्या है, राम जी के नाम का महत्व क्या है, त्र्यंबक के नाम का महत्व क्या है, वो जानता है कि शिव महापुराण का महत्व क्या है। महिषी नहीं जानती थी कि मतलब क्या, वो तो बैठ गए। अब उसने सोचा मुझे स्नान करना है, स्नान करूं तो कहां करूं। पहली बार महिषासुर की बहन महिषी गई उपवन में बैठकर, इस पंचवटी में गोदावरी का स्नान करी, स्नान करी तो बड़ी सुंदर सी हो गई, सुंदर सी बनकर। अब महिषी का मतलब जानते हो ना तुम? अरे बोलो तो जम के, महिषी मतलब
अरे बोलो तो, महिष का मतलब क्या होता है? भैंसा। और महिषी का मतलब भैंस। अब भैंस को, भैंस ने सोचा कि मैं आई और नहाई, नहाते से सुंदर हो गए, तो भैंस कैसी हुई होगी? मिस इंडिया। अब भैंस कैसी होगी? कहा गोदावरी के जल में शंकर की जटा से सप्त धारा जो गोदावरी निकली है, उसकी धारा में वो सुख है कि कोई पापी से पापी जीव भी उसमें कूद कर स्नान कर लेता है निष्कपट भाव से, तो वो मनुष्य की देह धारण कर लेता है। वो गोदावरी है। कूदी महिषी, सुंदर स्त्री का रूप ले ली, बैठ गई। उसको स्मरण नहीं आ रहा क्या मैं भैंस से स्त्री बन सकती हूं? महिषी सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। सुंदर स्त्री का जब रूप महिषी को मिल गया, तब करा। महिषासुर की बहन थी, इसलिए असुर प्रवृत्ति की थी, राक्षस प्रवृत्ति उसके अंदर भरी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिया जाए? महिषी ने कहा बस मुझे अमर कर दो, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे। तुम और कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। अब महिषी ने मन में विचार करा कि मैं मरूं ना, इसके लिए मैं करूं तो करूं क्या? असुर जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वो मांगते बड़े विचित्र हैं। ऐसी चीज मांगते हैं जो कि जगत कल्याण की भी हो और खुद के उद्धार की भी। महिषी ने मांगा क्या? महिषी ने मांगा मुझे वर दीजिए, मैं मरूं ना। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया अमर तो नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा, तुम और कोई वर मांग लो। अगर मैं मरना ही है मुझे तो मुझे वर दो, शंकर भगवान और भगवान विष्णु के। शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट उनकी संतान मुझे मारो। अब जरा विचार करिए, तारकासुर ने मांगा था कि शंकर भगवान की संतान मुझे मारे, पहला वर है ये जो महिषी ने मांगा कि शिव और विष्णु की संतान मुझे मारे। यहां कोई स्त्री या कोई पुरुष दो के संयोग से संतान नहीं मांगी है, यहां जो संतान मांगी वो मांगी है विष्णु और शिव के द्वारा। जो संतान प्रकट हो, जो संतान जन्म ले, वो मुझे मारे। अब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और ब्रह्मा जी ने वर दे दिया तथास्तु, ब्रह्मा जी वर दे दिए कि शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट संतान तुम्हारा वध करेगी, तथास्तु कह दिया। अब सोचो विचारो, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, महिषी को लगा कि अब तो मैं मर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनके द्वारा बच्चा कैसे होगा, संतान कैसे होगी? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। महिषी ने वर मांगा कि शंकर और विष्णु की संतान मेरा वध करे, जो भूतों ना भविष्यते हो ही नहीं सकता,
एक पुरुष और स्त्री की संतान प्रकट होकर मार सकती है, और दो देवता शिव और विष्णु की संतान कैसे हो? ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अब वर तो दे बैठे, अब विचार में पड़ गए कि वर महिषी को दे दिया कि शंकर और विष्णु की संतान इस महिषी को मारेगी, करें तो करें क्या? ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए, एकांत में जाकर बैठ गए, बहुत गहन चिंतन करने लगे, क्या होगा, संतान कैसे होगी, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। आया समय, राक्षसों ने उपद्रव मचाया, समुद्र मंथन का समय आ गया, और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। बस आ गया समय, मंथन का समय आया, देवता सुरों के बीच में सांझा हुआ, अमृत निकलेगा, पाएंगे। मंथन के समय पर सब कुछ निकला, विष भी निकला, रतन माणिक मोती औषधि सब निकले, बाद में अमृत निकला, अमृत असुर लेकर चले गए, तब भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर लिए। कौन सा स्वरूप रखा भगवान विष्णु ने? महिषी ने वर क्या मांगा था? भगवान नारायण और शिव के द्वारा प्रकट संतान मेरा वध कर। अब राक्षसी तो राक्षसी है, उसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया, भले वो सुंदर बन गई तो क्या हुआ, वन में रहने लगी, उपद्रव करने लगी, भयंकर उपद्रव मचाया, भयंकर उपद्रव। और जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, संहार करना जरूरी है। लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया के लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, देवी यहां सुंदर देव दीपावली, शिव महापुराण की कथा कहती है अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन नहीं किया था, उस महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था शंकर और विष्णु की संतान से मरूं, उस संतान को जन्म देने के लिए ये समुद्र मंथन करा गया था। ये मंथन का भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करा, मोहिनी स्वरूप बनाया तो बड़ा सुंदर स्वरूप स्त्री का भगवान नारायण बनाकर राक्षसों के पास गए, अमृत का कलश लिया, मैं देवताओं को मदिरा पिला दूंगी, तुमको अमृत पिला दूंगी, ऐसी बात कर देवताओं और राक्षस को बिठा दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को समुद्र का फैन, समुद्र का जल पिला दिया। उनका जो स्वरूप था उसका गुणगान पूरे ब्रह्मांड में हो रहा था। शंकर जी को मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने स्त्री का स्वरूप लिया है, शिव जी को कहा गया आपने भगवान नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया? नहीं। समुद्र मंथन में जो अमृत की बूंद गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक पंचवटी की पवित्र धरा पर भी गिरी थी। इसलिए कुंभ का मेला इन क्षेत्रों में लगता। मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर हरिद्वार भी गए, प्रयागराज भी गए, उज्जैनी भी गए, आखिरी में भी मोहिनी स्वरूप का दर्शन जब भगवान शंकर को नहीं हुआ, तब इस नासिक इस गोदावरी के तट पर शिव आए और भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया, भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन। मोहिनी स्वरूप में भगवान नारायण शिव जी को, शंकर नारायण को, दोनों एक दूसरे को देखे
देखते ही उसी समय पर दोनों के नेत्र की मिलन की दृष्टि इतनी प्रबल थी कि शिव सुध भूल गए भगवान नारायण को देखकर, नारायण सुध भूल गए भगवान शंकर को देखकर। नेत्रों से दोनों के अश्रु गिर गया, वो अश्रु का मिलन माँ पार्वती जी के हस्त कमल पर हो गया। उस मिलन से एक बच्चे ने जन्म ले लिया, जिस बच्चे को सुंदर पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। पार्वती से शिव ने कहा, इस बच्चे को यहाँ छोड़ो। क्यों? यहाँ मेरा एक भक्त रहता है, पास में पंडालम नगर है, जिस नगर में मेरा एक भक्त रहता है राजशेखर, वो भक्त मेरा गुणगान करता है, नारायण की उपासना करता है, उसके घर में औलाद नहीं है, उसको ये संतान देना है। ये संतान प्रभु, ये ब्रह्म भगवान विष्णु और आपके मिलन से हुई है। भगवान ने पार्वती से नहीं कहा कि ये महिषी को मारने के लिए हुई, ये तो मेरे भक्त के घर में संतान देना, भक्त के घर। पंपा नदी के तट पर बालक को सुला दिया। राजशेखर उस नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसके घर में संतान नहीं थी। देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। संतान उसने देखा कि एक बालक रो रहा है, बालक को उठा लिया, बालक को उठाया, अपने घर लेकर गया, धर्म पत्नी से कहा, औलाद नहीं पर मुझे ये बालक मिला है, बड़ा तेजवीर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, ले इसको पालन करो। रानी ने उसका पालन पोषण करा, बालक आया, बड़ा हुआ, पालन पोषण करा। कुछ महीने के बाद रानी का भी गर्भ ठहर गया, रानी का गर्भ ठहरा, एक बेटे ने जन्म ले लिया, बेटे ने जन्म लिया। रानी की दासी ने रानी से कहा, राजा का प्रेम, जो बेटा पंपा नदी के तट पर मिला है, राजा का पूरा प्रेम उस बच्चे के प्रति है। हमें लगता है तेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो वही बैठेगा, ना जाने किसकी औलाद, ना जाने किसकी संतान, राज सिंहासन पर वो बेटा बैठेगा, वो बेटा राज सिंहासन पर। रानी को बड़ा लगा, आज रानी मन में वियोग कर कर उसने सोच लिया, इससे तो प्राण त्याग दूं तो अच्छा। रानी अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई, वन में जैसे ही गई, वन में जाते से ही इसको वो सुंदर स्त्री जो गोदावरी के तट से वर लेकर गई थी, शंकर और भगवान विष्णु के संतान मेरा वध करेगी, उस रानी को वो स्त्री मिल गई। क्या नाम था उसका? महिषी। महिषी ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं राजा चंद्रशेखर की धर्म पत्नी, मैं राजशेखर की पत्नी। राजशेखर की? हाँ, मैं राजशेखर की पत्नी। तुम कहां जा रही हो? प्राणों को त्याग, इतने छोटे से बच्चे को लेकर? हाँ, इसको भी। क्यों? मेरा बेटा राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों, क्या हुआ? मेरे पति को एक बालक मिला था, उस बालक को लिया या पाल पोस के बड़ा करा, और मेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पति का प्रेम उस बालक के प्रति है। महिषी ने कहा, क्यों घबराती है? तू घर जा, घर जाकर बीमार होने का नाटक करना, अपने बेटे से कहना कि मुझे शेरनी का दूध लाकर दे, शेरनी के दूध में, बाघिन के दूध में दवाई डालकर लेना है तो मैं ठीक होंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाघिन के दूध में? हाँ, तेरा बेटा बाघिन का दूध लेने के लिए आएगा, शेर उसको खा जाएगा, अगर शेर नहीं खाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगी और मार दूंगी, तो क्यों चिंता करती है, जा घर। महिषी ने बुद्धि में रानी के भर दिया, रानी घर चली गई, बीमार होने का नाटक कर लिया, बीमार होने का नाटक करा। रानी जैसे बीमार होने का नाटक करी तो अपने बेटे को बुलाया, कौन से बेटे को? जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था, जो पंपा नदी के तट पर मिला था, जिसका नाम राजशेखर ने
अयप्पा रखा था। क्या नाम रखा था? जम के बोलो जरा, अयप्पा, जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था। बुलाया, आवाज लगा, आवाज लगाकर रानी ने आवाज लगाई, अयप्पा, स्वामी अयप्पा। जो आवाज लगाई, अयप्पा दौड़ कर आया। मां मां, क्या बात है? मां तुरंत कहती है, मेरे को दवाई लेना है और बाघिन का दूध चाहिए, शेरनी का दूध, अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा, पति बोले अपनी रानी से, राजा बोला रानी से, किसको बोल रही है शेरनी का दूध लाने को? बाघिन का दूध लाने के लिए, छोटा सा बच्चा है अयप्पा, अयप्पा छोटा सा है और तो बाघिन का दूध लाने को बोल रही, शेरनी का दूध। इतने में तो बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, राजा राजशेखर से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं दूध लेकर आता हूं। राजशेखर के पास में से अयप्पा स्वामी दौड़ पड़े और अयप्पा दौड़ते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो शेरनी को जो देखा, देखकर शेरनी खाने के लिए दौड़ी, पर अयप्पा स्वामी बच गए। तो महिषी ने सोचा, मैं इसको मार देती हूं, मेरी सहेली का काम बन जाए। महिषी ने अयप्पा स्वामी को मारने के लिए प्रयास करा, भगवान अयप्पा स्वामी ने उसी समय महिषी को पकड़कर संहार कर दिया। संहार करा, अपनी मां के लिए अगर शेरनी का दूध लेकर जाऊंगा तो पात्र नहीं लाया, किस बर्तन में लेकर जाऊंगा। अयप्पा स्वामी ने शेरनी को पकड़ा, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़कर शेरनी को, बाघिन को अपनी मां के पास लेकर पहुंच गए। मां, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल, ये शेरनी लेकर आया हूं, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल मां। और इसका दूध निकालकर तो दवाई में पी ले। मां ने आंख में से आंसू बहाए, पिता राजशेखर की आंख से आंसू निकलने लगे। ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, जरूर कोई बात है। जिस शेरनी पर चढ़कर अयप्पा आया था, उस शेरनी से स्वयं राजशेखर ने पूछ लिया, इसने तुम्हें मारा, तुम कौन हो? शेरनी कहती है, जिस जगत जननी की अंजलि में नारायण और शंकर का श्रु का मिलन हुआ था, उससे यह बालक जन्म लिया। यह बालक साधारण नहीं, शंकर और विष्णु के संतान अयप्पा स्वामी है। भगवान शंकर और विष्णु की संतान अयप्पा स्वामी है, यह साधारण संतान नहीं। राजशेखर पहचान गए, पर बेटा राज सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं हुआ। पिताजी मुझे जाना होगा, पिताजी मुझे जाना होगा। तभी शबरी पर्वत पर जाकर, शबरी पर्वत के ऊपर अयप्पा स्वामी शेरनी पर चढ़ कर गए और बैठकर तप साधना में लीन हुए। महिषी के प्राण चले, महिषी महिषी मरी, देवता आनंद का आनंद। महिषी के मरते ही सुख का भान हो गया। जब जब असुरों का संहार हुआ है, जब जब राक्षस मरे हैं, जब जब असुर का संहार हुआ है, इस भारत की भूमि पर दीपावली का त्यौहार मना है। जब असुर मरे, महिषी तो मर गई, गोदावरी के तट का जो फल महिषी ने मांगा था वो वचन भगवान ने निभा दिया। भगवान नारायण और भगवान शिव की संतान अयप्पा स्वामी ने उसको मार दिया, अयप्पा स्वामी। एक बार काशी में माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विचरण कर रही, तभी भगवान शंकर को माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, स्वामी
संसार के लोग, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य जो दुख में ग्रसित होता है, दुख में भरा रहता है, दुख में ग्रसित है, उस जीव का कल्याण कैसे, उसका शिव कथा कह रहे। पार्वती जी ने शिव जी को गंगा नदी के तट पर देवताओं के प्रसन्नता का कारण पूछा। दीप पर्व मनाया गया, दीप देव दीपावली का दिन हो, सात पुष्प, कितने फूल, सात पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी सात पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, सात पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, सातों पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर सात घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए, सातों दीप की पूजन करिए, और पूजन कर कर वो सात पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन सातों पुष्प को दिन भर में से कभी भी देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो सात पुष्प सात दीप सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कथा में हम स्मरण करेंगे, उसको सुनेंगे हम उसको। सहज नहीं है शिव, माता सती का प्रागट्य होता है, सती मैया का शिव जी से विवाह होता है, बाद में दक्ष प्रजापति की सभा में ही माँ अपने उस यज्ञ मंडप में प्राणों को त्याग देती है, हिमालय राज के यहाँ उनका जन्म हो जाता है, पार्वती के रूप में प्रकट हो जाता है। जब अपने नजदीक में कहीं शिव कथा हो, सुनो, जाओ, दो क्षण पहुंचो। दिन में कथा में नहीं जा सकते तो रात्रि में एक बार कथा के पंडाल में जाकर प्रणाम कर कर आओ। दिन में समय नहीं मिले, पति को नौकरी से दुकान से फुर्सत नहीं मिले तो उसको कहो अपने नासिक में कथा हो रही है, चार बिस्कुट के पैकेट रख लेते हैं, पानी की बोतल रख लेते हैं, भक्तों को पिला कर आएंगे, बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। करो सेवा दिल से। ये कथा तो 25 तारीख को विराम हो जाएगी, 28 तारीख को ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान, पूरी दुनिया में एक ही हनुमान है जिसको डॉक्टर हनुमान कहा जाता है, भिंड में ददरुआ धाम में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा ददरुआ धाम में आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पर पूरा राष्ट्र सुनेगा। उस कथा का नाम रहेगा शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा, जिसमें डॉक्टर हनुमान भक्तों का इलाज करेंगे शिव महापुराण के माध्यम से, अपन श्रवण करेंगे, उसका हनुमान का नाम ही डॉक्टर हनुमान है।